एवन, तो आज मैं आप सभी लोगों को कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना सिखाऊंगी। कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में मतलब कई लोगों को क्या होता है कि आते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज और उनको लगाने में बहुत परेशानी होती है, कई लोगों को लगती नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना, मेरे को भी लगा, मैंने पहली बार कोशिश करी थी तो मेरे को बिल्कुल नहीं आया था। वो तो अच्छी बात है कि मैं मतलब मेरी एक आंट थी, उन्होंने हेल्प करी थी मेरी, उन्होंने पूरी अच्छी तरह से हेल्प कर दी। उन्होंने ही लगाए थे पहली बार, मेरे से पहली बार में नहीं लगे थे। फिर दूसरी बार मैंने कोशिश करी तब जाके लगे थे। तो आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है पहली टाइम में, लेकिन दूसरी बार से आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज को संभाल के या सफाई से नहीं रखोगे तो आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज खराब हो जाएंगे। खराब नहीं होंगे मतलब क्या होगा, उनमें इन्फेक्शन आ सकता है और आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है उससे, मतलब उसमें बैक्टीरिया वगैरह आ सकता है और उससे आपकी आंखों पर असर पड़ सकता है। तो कुछ मिथ्स भी होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, जो मतलब जो मैं जो है ना, मैं जब कॉन्टैक्ट लेंस आने वाले थे तब तो मेरे को बहुत परेशानी होती थी कि जैसे क्योंकि मेरे बीच में मिथ्स आ रहे थे लाने में। तो क्या होता ना कि मेरे पापा ला रहे थे, जैसे जाने की कोशिश कर रहे थे तब कोई आके उन्हें कोई मिथ बता देता था। अब वो मिथ होता भी था कभी कभार सही, लेकिन अब इतना है तो इतनी छोटी तो हूँ नहीं कि मैं इतनी मुश्किल से परेशानी हो कि मतलब मेरे को इतनी बुरी तरह से परेशानी हो कि मैं ध्यान ही ना दूँ। ध्यान जो नहीं देता है अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पे उनको बहुत परेशानी होती है और उनके लिए बहुत बुरी बात है अगर वो लोग ध्यान नहीं दें तो, क्योंकि आंखों में इन्फेक्शन होने से आंखों का विजन भी लूज हो सकता है और आपकी आंखें खराब भी हो सकती है। तो इस वजह से तो जब भी पापा के मतलब कोई आके बता रहा था उन्हें कि कोई मिथ है ये, तो उस हिसाब से उसके बाद में क्या होता था कि पापा फिर बोल देते थे कि नहीं आएगा, इतनी मुश्किल से जाके मेरे को ये मिले हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी मिथ्स होते हैं, जो भी मिथ्स मेरे बीच में परेशानी करे या जो भी मिथ्स ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, वो सारे मिथ्स मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना सिखाऊंगी। सबसे पहले जिसको मतलब ये लगता है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज इन टूल्स से लगाने में आसानी होती है, तो वो आधे सही भी आधे रॉन्ग भी है, क्योंकि उसमें जो है ना कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना बहुत मुश्किल होता है। जो भी पहली बार लगाता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ में ये वाले क्या बोलते हैं टूल्स ये ले आए, तो अगर ये टूल्स भी ले आए तो उसे बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि ना ही कॉन्टैक्ट लेंस लगाने आते हैं ना ही टूल्स लगाने टूल्स सही से आते हैं। तो अब जिसको टूल्स से नहीं लगाने आते और हाथ से नहीं लगाने आते उनको मतलब टूल्स नहीं लेने चाहिए पहली बार में। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत आसानी हो। मेरे भी क्या हुआ था ना, मैंने ये मंगाए थे, मेरे को बहुत परेशानी हुई थी इनसे। क्या हुआ था ना कि मतलब ये झंझट के ऊपर झंझट है, तो कोई जरूरत नहीं है इन्हें लाने की। आप अपनी उंगलियों से लगाने की कोशिश करो, क्योंकि हाथों से ही लगाने में सबसे आसानी होती है। लेकिन अगर किसी को जानना है कैसे लगाते हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो है ना इसके ऊपर, ये जो ये सक्शन कप है इसके ऊपर आप अपना लेंस लगाते हो, मतलब पकड़ के उसको आप ऐसे लगाते हो, ठीक है। उसके बाद में आप अपनी आंख को ऐसे लेते हो और फिर उसके ऊपर लगाते हो, फिर लगाते हो और फिर उसको लगा के ऐसे, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी क्या करते हैं। इसको निकालने के लिए मैं अभी लगाऊंगी, फिर जब निकालूंगी ना अभी तब मैं आपको सिखा दूंगी। एक अपने हाथ से निकालूंगी और एक इस टूल से निकालूंगी, तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं जल्दी लगाना स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कैसे लगाते हैं। और सबसे पहली बात तो इसको बहुत संभाल के रखना होता है, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन होता है इसे बहुत मतलब इन्हें धोना चाहिए, हर टाइम धोना चाहिए। ये जो लेंसेज होते हैं इन्हें लगाने से पहले भी धोना चाहिए और लगाने के बाद भी, मतलब लगाने के बाद में हटाने के बाद में भी धोना चाहिए, क्योंकि अगर आप धोगे नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है आँख में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो हाथ धो लेने हैं होते हैं आपको, आप अपने हाथ धोना चाहिए आपको। अगर आपके हाथ धुले भी नहीं होते तो आपके हाथ में जो बैक्टीरिया होता है वो आपके
लेंस पे जाके आपकी आंख में लग सकता है, तो इस वजह से वो बुरी बात हो जाएगी। तो अब मैं हाथ धो के आती हूँ, तो मैं फुल फेस रिवील नहीं करने वाली हूँ, इस वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है और मैं अपने हाथ धो के आ गई हूँ। हाथ गीले नहीं होने चाहिए, हाथ अगर गीले होते तो मतलब क्या कॉन्टेक्ट लेंसेस खराब हो सकते हैं। इस वजह से हाथों को एकदम सफाई से साफ करके पहले पानी से पहले अच्छे से मतलब उसको आपको अपने हाथों को पूरा अच्छे से धोना है, उसके बाद में फिर अच्छे से साफ करना है ताकि कोई भी पानी आपके हाथों में ना हो। अब सबसे पहले आपको खोलना है ऐसे ऊपर से ऐसे, ये मैं दिखा नहीं सकती इसे लैपटॉप से, तो आप इसे ऐसे लो, दिख रहा है आपको ये, फिर आप इसे ऐसे लो और अपने मिडल फिंगर जो होती है उसके ऊपर ऐसे लगाओ। ये देखो ऐसे, ये ऐसे, और इसे एकदम टॉप में रखना है, साइड में ऐसे नहीं रखना है, ऐसे होता है, इसे ऐसे नहीं रखना है, इसको आपको ऐसे ही रखना है ऊपर, एकदम ऊपर साइड में। ओके, फिर आप अपनी आंख को ऐसे करो, फिर आप अपनी आई को ऐसे लो, एक सेकेंड, और अगर ऐसे हो जाए आपका ये लेंस तो आप इसको वापस ऐसे करो, लगाना नहीं है ऐसे। ये देख रहे हो आप, यहाँ नीचे लगाओ आप, उसके बाद में इसे ऊपर ले जाओ, फिर 2 सेकंड के लिए रुको आप, उसके बाद में आप इसे अपनी आंख को रोल करना है आपको। ये देखो लग गया, आप देख सकते हो, ये ऐसे ही लगता है। मैं आपको वापस करके दिखाती हूँ, आपको अपने लेंसेज बहुत अच्छे से साफ साफ करके रखने हैं। साफ करने में मैं आपको साफ करते हुए भी सिखा देती हूँ। ये आप ऐसे पकड़ो, इसे लो, इसको आप अपने पाम पे रखो, ठीक है, पाम पे ऐसे रखो। उसके बाद में आप अपना लेंस सॉल्यूशन लो और इसे आप 2-3 ड्रॉप ऊपर रखो और 2-3 ड्रॉप नीचे लगाओ। इसको आप अपनी उंगली से आप इसे ऐसे रब करो, इससे साफ हो जाएगा। अब आप अपने लेंस को एकदम, मैं आपको वापस दिखाती हूँ, देखो ऐसे आप रखो, लेंस को एकदम ऊपर रखना है आपको, ठीक है, एकदम ऊपर। अब आप अपनी आई को ऐसे लो, आई के नीचे जो है ना मतलब प्यूपल के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। ब्लिंक नहीं करना है, ये ऐसे लगता है। अगर ये सही से साफ नहीं होगा तो आपकी जलन होगी, ये सही से साफ होगा तो आपको कोई जलन नहीं होगी। और कई लोगों को जलन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको जैसे थोड़ा ऐसे लगने लगे और मतलब जलने लगे आपकी आंख, तो आप क्या करो ना, अपने लेंस को एकदम सीधा उसी टाइम हटा दो, नहीं हटाओगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। कई बार पानी निकलता है बहुत आँख से, तो आप साफ कर लो, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आपको वापस सही से समझाती हूँ, अब अपनी आँख को ऐसे एकदम फुल्ली स्ट्रेच कर लो, फिर लेंस को लो, लेंस को ऐसे मतलब यहाँ पे होती है लेंस को, आप मतलब अपने ये जो कॉर्निया है उसके नीचे लगाओ, ठीक है, नीचे, फिर उसे ड्रैग करते हुए, ड्रैग करते हुए आप अपने प्यूपल के ऊपर लेके जाओ, ठीक है,
पिपल के ऊपर सेट कर लो और आपको अपनी आंख ब्लिंक नहीं करनी है। ब्लिंक करने में कई बार ब्लिंक होती है तो बहुत परेशानी होती है, मतलब जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं ना उनको बहुत परेशानी होगी क्योंकि उनको बहुत ब्लिंक होता है, बार बार ब्लिंक होती है आपकी आंख, तो आपको वो नहीं करना है। आप उसको लेके ऐसे करो, प्यूपल के ऊपर सेट कर दो, उसके बाद में आप अपनी आंख को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, सॉरी 1 मिनट के लिए नहीं, 1-2 सेकंड के लिए आप अपनी आंख को खुला छोड़ना है, आपको पूरी उस टाइम पे ही बंद नहीं करनी है। फिर आप अपनी आंख को 2 सेकंड के बाद में आप अपनी आंख को बंद करो, रोल करो अपनी आंख को अंदर, ठीक है, बंद करके रोल करनी है ताकि वो जो लेंस है वो सेट हो जाए ऊपर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर ऐसे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, तो आप जाके उसे खोलो और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे वार्निंग वगैरह और क्लीनिंग मेथड भी उसमें होता है। मैंने क्लीनिंग बता दी कैसे करते हैं, तो निकालना बहुत आसान है, मैं इससे नहीं बताने वाली हूँ, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें जो है ना ये आपकी आँख पोक करता है बहुत बार, तो इस वजह से इसको आप यूज मत करो तो अच्छा है। आप अपने इसको लो और आप दोनों साइड से पकड़ो उसे, ठीक है, ऐसे निकल गया। और अगर लेंस ड्राई हो जाए, करते करते ड्राई हो जाए, तो आप इसको क्या करो ना, आप इसको लगाओगे तो आप इसको मतलब वापस लेंस सॉल्यूशन के अंदर डुबो के उसके बाद में आप लगाओ, और ऐसे ही लगता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मिक्स करने वाली हूँ बस, और मैं एक लाइव भी करने वाली हूँ जल्दी।